हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ये हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। टोटल अकाउंटेंसी हमारे चैनल का नेम है और आज हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग का आज हम लोग पार्ट नंबर जो है फर्स्ट करेंगे और यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग मेथड आज हम लोग जो चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी लेक्चर का बेनिफिट मिल सके। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं चैप्टर के बारे में। यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड आखिरकार क्या है? इकाई, इकाई का मतलब होता है यूनिट, एक यूनिट। लागत लेखांकन का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्पादन की कुल लागत और प्रति इकाई लागत ज्ञात करना। देखिए जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, कौन सी अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग, जी हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस ये है कि हम लोग जो बना रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं उत्पादन या फिर प्रोडक्शन। कि जो हम लोग बना रहे हैं, जो हमारी प्रोडक्शन है, उसकी हमें एक तो कुल लागत पता चल जाए। क्या पता लग जाए? कुल लागत, या फिर इंग्लिश में टोटल कॉस्ट। एक तो ये पता लग जाए और एक ये पता लग जाए प्रति इकाई लागत। प्रति इकाई लागत मतलब क्या है? एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी है, इसे कहते हैं कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। ये इसका पर्पज है, किसका? कॉस्ट अकाउंटिंग का विभिन्न प्रकार के उत्पादों सेवाओं की लागत निर्धारण के लिए लागत निर्धारण की विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिनका वर्णन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उसमें से एक मेथड है इकाई और उत्पादन लागत विधि। देखो जो इकाई या उत्पादन लागत विधि है, इसका दूसरा नाम है सिंगल कॉस्टिंग मेथड। और इसे कौन कौन लोग प्रयोग करते हैं? इसे लोग प्रयोग करते हैं जैसे चीनी उद्योग वाले, वस्त्र उद्योग वाले, सीमेंट, कोयला, ईंट वाले, ईंट भट्टे वाले, अधिकतर लोग इसका प्रयोग करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि कुल लागत कितनी आ रही है और एक चीज को बनाने की लागत कितनी आ रही है। तो ये आपके सामने कुछ डेफिनेशंस हैं और हम लोग डेफिनेशन से आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे दिए गए नेम एंड कॉस्ट यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो इस मेथड का यूज करती हैं। तो आप लोग देख लेना यहाँ पे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जो कि एग्जाम में थ्योरी में आ जाते हैं, और एक इनके मेजरमेंट कि ये लोग आखिरकार मेजरमेंट करते कैसे, मापते कैसे। सीमेंट वाले कैसे मापते हैं, ठीक है, स्टील वाले कैसे मापते हैं, शराब वाले प्रति बैरल के हिसाब से, और आपका जैसे कागज उद्योग है, ठीक है, प्रति रिम या पर किलोग्राम के अकॉर्डिंग ये लोग अपना मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट स्लाइड्स पर चलते हैं। यहां पर दिया गया है इकाई लागत लेखांकन के अंतर्गत, इकाई लागत लेखांकन के अंतर्गत लागत प्रस्तुतिकरण की विधियां, मेथड्स ऑफ कॉस्ट प्रेजेंटेशन अंडर यूनिट कॉस्टिंग मेथड। कॉस्ट प्रेजेंटेशन ही कॉस्ट को किस तरह से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट को प्रेजेंट करने के कुछ मेथड्स हैं, कौन कौन से? यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर के अंदर सिर्फ तीन चीजें पढ़ेंगे। कितनी? तीन, कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट और प्रोडक्शन अकाउंट। सबसे ज्यादा एग्जाम में 90% यहीं से आता है क्वेश्चन। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आना है। तो इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा और ध्यान से करिएगा। और जो कोस्ट शीट है, ये समझो पूरी कोस्ट की जो बुक है उसका ये एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है कोस्ट शीट, ठीक है। इसके अंदर जो कोस्ट शीट बनाती हैं वो एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी है, प्रोडक्शन अकाउंट है, ये आते हैं, लेकिन उतना चांसेस नहीं है जितने की पढ़ेंगे हम सब कुछ पढ़ेंगे आखिरकार हम लोग सब कुछ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर और यहां पर देखेंगे कॉस्ट शीट आखिरकार है क्या, ठीक है। क्या देखेंगे कि जो अपनी कॉस्ट शीट होती है,
ये क्या है? कॉस्टशीट को हिंदी में कहते हैं लागत पत्रक। लागत पत्रक एक ऐसा विवरण है जिसमें किसी निश्चित अवधि में उत्पादित इकाइयों की कुल लागत को, यानी कि जितना मैंने प्रोडक्शन किया है, मैंने जितना प्रोडक्शन किया है उसकी जो कुल लागत है, टोटल कॉस्ट, उसकी जो टोटल कॉस्ट है, विभिन्न स्तरों पर, अलग अलग लेवल पर हम लोग उसे शो करेंगे और पर यूनिट भी निकाल लेंगे, यानी कि हर एक लेवल पे कितनी कॉस्ट आ रही है। ठीक, जैसे सबसे पहला है अपना जो लेवल होता है उसे कहते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे एक पिक्चर सी बना देता हूँ आपके समझने के लिए। ठीक है, जैसे सबसे पहला लेवल होता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट जिसे कहते हैं मूल लागत। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर होती है हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है? फैक्ट्री कॉस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में कारखाना लागत। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट के बाद आता है अपना टोटल कॉस्ट या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इस तरह से। तो जो कॉस्ट शीट है, कॉस्ट शीट हमें हर एक लेवल पे एक तो ये बताती है कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है हर एक लेवल पे, और एक ये बताती है हमें कि कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। जैसे इस लेवल पे मेरे 10,000 रुपये खर्चा आ रहा है और मैंने 1,000 यूनिट बनाई है, तो मुझे एक तो ये पता चल गया कि टोटल कॉस्ट मेरी 10,000 है। अगर मैं यूनिट से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चलेगा कि मेरी जो कॉस्ट है पर यूनिट वो 10 रुपये है, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट भी पता चल सकता है और साथ साथ टोटल कॉस्ट का पता चलता है कॉस्ट शीट से। तो कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ये बताने का काम करती है कि प्रत्येक स्तर पर, ठीक है, एवरी लेवल पे, हर एक लेवल पर हमारी कितनी टोटल कॉस्ट आ रही है और कितनी कॉस्ट पर यूनिट आ रही है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को कॉस्ट शीट क्लियर होगी होगी। उसके बाद चलते हैं आगे, ये है फॉर्मेट। देखिए कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है, अगर आपने ये याद कर लिया, आपने अगर इसे समझ लिया, तो ये समझो चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट शीट में जो भी कुछ है वो है फॉर्मेट के अंदर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कॉस्ट शीट की बाद में बात करेंगे, पहले मैं कॉस्ट की बुक की बात करता हूँ। जो अपनी कॉस्ट की बुक है ये फॉर्मेट बेस है, इसके बेस पर है ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट बेस है। मैं इसलिए फॉर्मेट बेस कह रहा हूं इसे, आप इसमें सिर्फ फॉर्मेट याद कर लो, क्वेश्चन अपने आप हो जाए। ठीक है, फॉर्मेट याद करो, फॉर्मेट में वैल्यू उठा के रखनी है। पूरी कॉस्ट में यही सब कुछ है कि भैया फॉर्मेट याद कर लो, क्वेश्चन अपने आप से। ठीक है, क्वेश्चन करने में डाउट नहीं है, दिक्कत है फॉर्मेट याद करने में। आप लोग फॉर्मेट याद करिएगा, मैं कह रहा हूं आपसे कि आप हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग को पहले समझते हैं फॉर्मेट को, आखिरकार ये फॉर्मेट है क्या। देखो ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, फॉर द मंथ एंडिंग इस तरह से लिखना है, ये डिटेल फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का विद प्रॉफिट। तो सबसे पहले इधर लिखा करते हैं आउटपुट, ये हमने स्टेटमेंट बना दी है। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे दो कॉलम बनाए हैं अमाउंट के, तो यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट कि हमने कितनी यूनिट बनाई है, 10,000, 1,000 जो भी होंगी। फिर उसके बाद पर्टिकुलर, यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे आएगा कॉस्ट पर यूनिट। उसके बाद देना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल। ठीक है, देखो मैं बात करता हूँ मेटेरियल की। ठीक है, यहीं पे बात करता हूँ समझने के लिए, मेटेरियल हमारे तीन तरह के होंगे। ठीक है, मेटेरियल होता है सामग्री जिससे हम लोग कोई काम करते हैं, एक तो होता है अपना रॉ मेटेरियल। कौन सा मेटेरियल? रॉ मेटेरियल, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते, हिंदी में कहते हैं कच्चा माल। एक होता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, आपने देखा होगा कार्य प्रगति पर है, ना तो वो कच्चा है ना पक्का है, वो WIP है। तो एक ये वाला मेटेरियल होता है, एक होता है फिनिश, बिल्कुल तैयार माल, फिनिश गुड्स। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मेटेरियल कितने तरह का होगा, थ्री टाइप्स का। तो रॉ मेटेरियल अगर होगा और ओपनिंग स्टॉक तो सबसे स्टार्टिंग में आएगा, फिर हम इसमें क्या ऐड करेंगे, परचेज, फिर हम इसमें क्या ऐड करेंगे, कैरीज इन वर्ड, माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल,
इतना करने के बाद इसकी अमाउंट है यहाँ पे लिखते रहेंगे, प्लस वाला जो प्लस होगा माइनस वाला माइनस करेंगे, तो हमारा फर्स्ट आंसर निकल करके आएगा जिसका नाम होगा मेटेरियल कंज्यूम। जो ये मेटेरियल कंज्यूम है सपोज करिए 5,000 रुपये है, फिर इस 5,000 को आउटपुट से डिवाइड करना है, तो 5,000 को 5 से डिवाइड, 1,000 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ये क्या आ गई है, देखो दो चीजें मिली, पहला लेवल है ये, पहले लेवल पे मेटेरियल कितने रुपए का टोटल कंज्यूम हुआ वो पता चला, और साथ साथ ये भी पता चला कि मेटेरियल जो कंज्यूम है वो कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ, तो 5 रुपए हुआ। उसके बाद देखिए जब खर्चे लिखे जाएंगे, एक्सपेंसेस लिखेंगे तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जब आंसर लिखेंगे तो राइट साइड में लिखेंगे। ये डायरेक्ट वेजेस है और डायरेक्ट एंड चार्जेबल एक्सपेंसेस, इनके अमाउंट लिखेंगे प्लस करेंगे। सपोज करिए ये 1,000 है, ये 2,000 है, तो टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 5 और 3 8,000। इन्हें डिवाइड करते रहना हर एक लेवल पे, किससे, आउटपुट से, किससे डिवाइड करेंगे, आउटपुट से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 रुपये आ गया। इतना प्राइम कॉस्ट कैसे आई है, प्राइम कॉस्ट पता चली। उसके बाद हेडिंग बनाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड, कौन सा हेडिंग बनाएंगे, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट या फिर फैक्ट्री ओवरहेड भी हम लोग इसे कह सकते हैं, मैं तो आखिरकार ओवरहेड ही कहूंगा, ठीक है। फैक्ट्री ऐसे लिखते, खत्म ही कर देते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। ये फैक्ट्री ओवरहेड है, ये हेडिंग है सिर्फ फैक्ट्री का, फैक्ट्री के जो भी खर्चे हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे। इनडायरेक्ट वेजेस है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ मशीन बिल्डिंग एक्सेट्रा, फ्यूल इलेक्ट्रिक पावर एक्सेट्रा, अगर ये परसेंटेज में हो, वो कहने लगे कि फैक्ट्री ओवरहेड इज 20%, अगर फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज में होगा तो किस पे फाइंड आउट करेंगे, ऑन प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अगर वो मुझसे कहे कि फैक्ट्री ओवरहेड 20% है, ये नहीं बताया किस पे निकालना, तो बिना कहे किस पे निकाल लेंगे, प्राइम कॉस्ट पे, ठीक है। इतनी बात, चलिए आगे चलते हैं, अभी तो फॉर्मेट बहुत बचा हुआ है। ये था अभी तक तो हमारा हाफ हुआ है, अभी उसके बाद कंटिन्यू हम लोग इसमें कर रहे हैं। देखिए यहाँ के बाद क्या कहानी है, जैसे आपने फ्यूल वगैरह लिख दिया, रिपेयरिंग सब ये फैक्ट्री खर्चे थे, यहाँ पे फैक्ट्री में ऐड होगा WIP, किसका, फैक्ट ओपनिंग ऐड होगा, WIP जो क्लोजिंग है वो माइनस होगा, और माइनस होगा सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप कहते हैं जो माल खराब हो जाए, ठीक है, कटिंग कटिंग वटिंग जो भी है, इन सबको ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसे कहेंगे हम लोग वर्क कॉस्ट, क्या कहेंगे, वर्क कॉस्ट। ये अपनी यहाँ पे वर्क कॉस्ट आ गई है, आउटपुट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट आ गई। उसके बाद लेंगे ऑफिस ऑन कॉस्ट या फिर ऑफिस ओवरहेड, अगर परसेंटेज में हो तो किस पे निकलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट पे, इस पे निकलेगा। तो ऑफिस में कौन कौन से खर्चे होते हैं जानते हैं आप लोग, ऑफिस की सैलरी, ऑफिस का रेंट, ये सब, ऑफिस के बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, ऑफिस की बिल्डिंग की रिपेयरिंग कराई है, ऑफिस में लाइट वाइट जलती रहती है, और उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, ये स्पेशल ध्यान रखना है, जनरल एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा, ऑफिस में, इन सबको प्लस करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसे कहेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये तीसरी तरह का गुड्स है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को क्या कर देना है, माइनस, तो क्या आंसर आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद इतना समझ में आया आप लोगों की, इतना समझ में आ गया है। उसके बाद और फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप लोग नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, ये फॉर्मेट अगर याद नहीं होगा क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, भूल जाओ, आपको समझ में आएगी क्वेश्चन अगर फॉर्मेट याद नहीं है। इतना करने के बाद, ठीक है, फिनिश का निपटारा करने के बाद हमारा जो आंसर निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, इस सबको ऐड करते रहना, जो माइनस वाला है उसे माइनस कर देंगे। फिर हेडिंग बनाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसे प्लस करेंगे, तो यहाँ से फिर आंसर निकलेगा कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, फिर वो हमें प्रॉफिट दे के रखेगा, या प्रॉफिट नहीं देगा तो सेल देगा, हम बीच में लाइन छोड़ देंगे और लास्ट में लिखेंगे सेल, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो अपना क्या आएगा, प्रॉफिट। तो एक फॉर्मेट था जो कि आपको पूरा याद रखना है, ठीक है, अगर आप लोग याद रख सकते हैं तभी आप क्वेश्चन समझ सकते हैं।
एक स्टेटमेंट है जिसका नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, तुलनात्मक। कंपैरेटिव इसे इसलिए कहा गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्योंकि यहां पर एक साथ दो अलग अलग टाइम पीरियड की, फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड, उनकी आपस में तुलना की जा रही है। जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, अभी तो आप लोग क्वेश्चन पे अपना फोकस करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, और आज हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 14। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे अभी। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंपल क्वेश्चन है, और यहाँ पे प्रिपेयर ए क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन बनानी है, कुछ इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों के पास अगर बुक होगी तभी ज्यादा समझ में आएगा, आप लोग भी बनाइएगा। देखो यहाँ पे जो आउटपुट है, प्रोडक्शन है, वो कितनी यूनिट है, 3000 है। मेटेरियल कंज्यूम है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, सेलिंग है और सेव है। तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे क्या, कॉस्ट शीट, ठीक है, क्या बनाएंगे हम लोग, कॉस्ट शीट। ये हमारी छोटी सी कॉस्ट शीट है, और यहाँ पे बनेंगे दो कॉलम, ये हमारे दो कॉलम तैयार होने जा रहे हैं। और दो कॉलम जैसे, एक मिनट, आप लोगों को थोड़ा सा मैं और ठीक सा कर देता हूँ, स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो ये मैंने स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर दिया आप लोगों के लिए। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर पहले वाले कॉलम में, तो ये पर्टिकुलर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये अपना पर्टिकुलर, ठीक है, ये अपना पर्टिकुलर हो गया। यहां पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट, क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट, और यहां पे लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, और यहां पे लिखेंगे आउटपुट। आउटपुट कितना है क्वेश्चन के अंदर, 3000 यूनिट, 3000 यूनिट्स आउटपुट है। सबसे पहला खर्चा है जिसका नाम है डायरेक्ट मेटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मेटेरियल कंज्यूम, जो कि कितने का है, 2,25,000 रुपये का, 2,25,000 रुपये। और उसके बाद है डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर 37,500, और उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, 15,000। इन सबको प्लस करेंगे तो यहां से आंसर निकल करके आएगा प्राइम कॉस्ट। तो इन सबको प्लस करने के बाद अपना जो प्राइम कॉस्ट होगा वो कितना होगा, दो 25,000, 37, और ये हो जाएगा आपका 8,15, और मिला करके ये बैठेगा आपका 2,77,500, 2,77,500, ठीक है, सबको प्लस कर लिया मैंने। उसके बाद यहां पे हेडिंग बनाएंगे फैक्ट्री
ओवर हेड, तो यहाँ पे देखेंगे फैक्ट्री ओवर हेड कितने हैं, 30,000। हेडिंग बना लेंगे इस तरह से और 30,000 रुपये यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद टोटल करेंगे और इस टोटल को क्या कहेंगे हम लोग, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट इन सबको प्लस करने के बाद जो हमारा वर्क कॉस्ट को ऐड करने के बाद आएगा 307 और 500 आ गया ये। उसके बाद फिर से हेडिंग बनाएंगे ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, और ये हेडिंग बना दिया मैंने, और ऑफिस ओवरहेड कितने हैं, 12,000। 12,000 को इसके साथ प्लस करेंगे और 12,000 प्लस करने के बाद हमारा आएगा 3,19,500, 3,19,500, ठीक है, 3,19,500 आ गया। अब इसका नामकरण करेंगे कि ये जो 3,19 आया इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये सारे जो नामकरण कर रहा हूं मैं कहां से कर रहा हूँ, फॉर्मेट से, मेरे फॉर्मेट याद है आप लोगों को, फॉर्मेट जैसे याद होगा आप भी कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फिर एक हेडिंग बनेगा, इसका नाम होगा सेलिंग ओवरहेड, लेकिन मैं पूरा नाम लिखूंगा इसका, इसका पूरा नाम है सेलिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है अपना, 18,000। 18,000 और प्लस करेंगे इसके अंदर तो फिर से एक आंसर निकल करके आएगा, जिसे क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल, क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, उसके बाद क्या है, प्रॉफिट, और लास्ट में रहता है इसमें सेलिंग प्राइस। लास्ट में क्या रहता है, सेलिंग प्राइस। इसमें हमें सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 3,75,000, और यहां से दोनों को मिलाकर के टोटल कितना आ गया था अपना, 3,37, 3,37,500, 3,37,500। इन दोनों के बीच में जो भी अंतर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंसिंग फिगर, यानी बचा हुआ शेष 37,500, ये हमारा आंसर है प्रॉफिट। तो आप लोग देख सकते हैं कि अपना जो प्रॉफिट है वो कितना है, 37,500। अब क्या करना, देखिए जो 3,000 है इससे 3,000 को इन सारी अमाउंटों को लास्ट तक डिवाइड करना है, 2,25,000 को 3,000 यूनिट से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, तो कितना आएगा, 75, कितना आएगा, 75 रुपीज कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा यहाँ पे डिवाइड करने के बाद, 12.55, और उसके बाद आएगा 92.50, 10 आ गया, उसके बाद है 102, 102.50, उसके बाद है 4, और 4 के बाद है 106.50, और यहाँ पे रहने वाला है 6 रुपये, तो 112 रुपये 50 पैसे, और यहाँ पे रहने वाला है 12 पॉइंट, और यहाँ पे रहने वाला है 125,000। तो आप लोग सभी आंसर अपने टैली कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको क्वेश्चन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के जो भी क्वेश्चन है।